हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड जय और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी सर्च के एपिसोड्स, उसमें से एपिसोड नंबर 3। अगर आपने एपिसोड नंबर 1 और 2 नहीं देखा है तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूं आप देखिए। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूं, क्योंकि उसे देखने से आपको आने वाले एपिसोड्स और समझ में आएंगे और मजा आएगा देखने के लिए। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में होता है एक स्पेशल टिप जिसको आपको अप्लाई करना है आपके प्रॉपर्टी सर्च के लिए। जिस तरह स्कूल में पहले हम ABCD सीखते हैं, बाद में आगे की पढ़ाई करते हैं, उसी तरह प्रॉपर्टी सर्च में भी आपको पहले बेसिक सीखने होंगे, जैसे कि प्रॉपर्टी का कारपेट एरिया क्या होता है, बिल्टअप एरिया क्या होता है, प्रॉपर्टी की प्राइस के अलावा और कौन से गवर्नमेंट टैक्सेस और फीस होती है, जहां पे आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं वो एरिया में क्या रेट चल रहा है प्रॉपर्टी का। बाय द वे, इनमें से कोई भी टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं बना दूंगा। अब आप पूछेंगे सारे बेसिक्स किस लिए, वो इसलिए क्योंकि आप जब एक्चुअली में प्रॉपर्टी देखने जाते हैं तो आप बिल्डर की बातों को आसानी से समझ पाएंगे, उनकी टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, और उतना ही नहीं आप भी कोई इंपॉर्टेंट सवाल बिल्डर को पूछ पाएंगे जिसका आपको फायदा होगा। अगला स्टेज ये है कि आपको आपके एरिया में कोई भी प्रॉपर्टी है, रैंडम प्रॉपर्टी जाके आपको विजिट करनी है। अगर आपको विजिट एक्चुअली में फिजिकली नहीं करनी है तो आजकल वर्चुअल टूर्स भी निकले हैं, जिसमें बिल्डर या एजेंट आपको लिंक भेज देगा और आप ऑनलाइन उन प्रॉपर्टीज को अच्छे से देख पाएंगे। अब ये किस लिए, इससे आपको नॉलेज और बढ़ेगा, आपको आइडिया आएगा कि प्रॉपर्टी एक्चुअली होती कैसे है, क्या होता है उसके बारे में। और आपको अगर बिल्डर ब्रोशर देता है, हैंडओवर करता है, तो जरूर लेना। अगर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक ब्रोशर है तो वो भी ले लीजिए और उसे अच्छे से समझना शुरू कर दीजिए। तो बस वेट किस बात का कर रहे हैं, शुरू कर दीजिए अपना प्रॉपर्टी सर्च, एंड इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन तो एटलीस्ट स्टार्ट कर दीजिए, देखो कितना मजा आता है। अब आती है स्पेशल टिप की बारी। प्रॉपर्टी सर्च करने से पहले हमारी एक रिक्वायरमेंट्स होती है अपना घर लेने के लिए, लेकिन प्रॉपर्टी सर्च करने के बाद वो रिक्वायरमेंट्स बहुत मायने तक बदल सकती है। इसीलिए पहले आप प्रॉपर्टी सर्च करिए, उसके बाद ही आपके रिक्वायरमेंट्स फाइनलाइज कीजिए, और यही स्पेशल टिप है। उसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। प्रॉपर्टी लेने से पहले, खरीदने से पहले या ढूंढने से पहले मुझे फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे ही फ्लैट लेना था, लेकिन प्रॉपर्टी सर्च करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि हाई राइज में क्या मजा है, और मैंने हाई राइज में प्रॉपर्टी बुक कर ली। अगला एपिसोड इससे भी धमाकेदार होने वाला है गाइज। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सीधा नीचे वाला लाल बटन जो है सब्सक्राइब, वो दबा दो। उसके साथ आपको बेल आइकन का ऑल ऑप्शन भी सिलेक्ट करना होगा, जिससे YouTube आपको सारे नोटिफिकेशंस भेज देगा मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आया है तो ईजिली आपको लाइक बटन दिया हुआ है वो दबा दो और मुझे इंडिकेट करा दो। तब तक के लिए बाय गाइज, और मैं आपको मिलूंगा नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। आपको क्या करना है, सिर्फ हंसते रहना है, क्योंकि हंसने से आपका प्रॉपर्टी सर्च बहुत ही आसान हो जाने वाला है।